वेलकम टू माय चैनल क्लिफ्टन स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम अपने व्यूअर्स के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की असामियों की अपडेट लेके आए हैं। अगर आप लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की असामियों में इंटरेस्टेड हैं और इसके मुतालिक तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। वीडियो को कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ कम्प्लीट डिटेल शेयर करने वाले हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से कौन कौन सी असामियाँ अनाउंस की गई हैं, उन असामियों पर अप्लाई करने की क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं और उन असामियों पर अप्लाई करने का क्या तरीका कार है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई जॉब का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी मिल सके। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो असामियाँ अनाउंस की गई हैं उन असामियों पर अप्लाई करने के लिए जो मतलूबा तलीम है वो बी कॉम है, बी ए है, बैचलर है, बी टी एस है, बी एस है, एल एल बी, एल एल एम, एम कॉम, एम ए, मास्टर, एम बी ए, एम बी बी एस और एम एस है, ठीक है। और इन असामियों पर अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 6 मार्च है और इसमें जो टोटल असामियां अनाउंस की गई हैं वो तकरीबन 300 से भी अबव अनाउंस की गई हैं, ठीक है। और इसमें जो असामियां अनाउंस की गई हैं जिन असामियों पे भर्ती का ऐलान किया गया है उन असामियों में स्टेट प्रोफेसर है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट है और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रोस्थोडोंटिक है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोडोंटिक है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक हेमाटोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट है, असिस्टेंट रेक्टर है, असिस्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, असिस्टेंट रेक्टर है, अकाउंट्स ऑफिसर है, हेड क्लर्क है, कम्युनिकेशन असिस्टेंट है, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी है और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी है, ठीक है। इसमें जो असामियाँ हैं अनाउंस की गई हैं इन असामियों पर भर्ती का ऐलान किया गया है और इन असामियों पर अप्लाई करने की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसमें कुछ एजुकेशनल क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अगर आप लोगों के पास फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और अप्लाई करने के लिए जो उम्र की हद है वो मेल के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 55 ईयर्स है, ठीक है, और फीमेल के लिए जो अप्लाई करने के लिए उम्र की हद ज्यादा से ज्यादा वो 58 ईयर्स है, ठीक है। और डोमिसाइल जो है वो आपका ऑल ओवर पंजाब का, एनीवेयर इन पंजाब का होना चाहिए, ठीक है। और जेंडर जो है मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आपके जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, जो आपकी जॉब की लोकेशन होगी वो एनीवेयर इन पंजाब, पंजाब में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी कंडीशन थी, अहलियत थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब चलते हैं हम इसके अप्लाई करने के तरीका कार की जानिब, ठीक है। इन असामियों पर जो आप लोगों ने अप्लाई करना है वो आप लोगों ने PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक सामने आप लोगों को स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है, इसके अलावा जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को ओपन करें और अपनी जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आप लोगों का ऑनलाइन चलान फॉर्म भी जनरेट होगा जिसकी फीस 600 है और वो फीस आप लोगों ने HBL, जैज कैश, इसी पैसा या जो चलान फॉर्म पे बैंक मेंशन होगा उनमें से किसी एक बैंक में आप लोगों ने अपनी फीस पे कर देनी है। और 6 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके एप्लीकेशन की कोई हार्ड कॉपी आप लोगों ने डिपार्टमेंट को नहीं भेजनी, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई ही करना है। और जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट है, वैसे तो हम तमाम डिटेल आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट से देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट भी अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इन असामियों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो लाजमी अप्लाई करें, इस अपॉर्चुनिटी से लाजमी फायदा उठाएं। शुक्रिया।